तो ये बड़े पूंजीपतियों का संगठन इंटरनेशनल यादव चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किया था, जिसमें 26-27 देश के लोग आए थे और दिल्ली के अंदर सबसे अच्छा सबसे महंगा अगर बैंक्वेट हॉल हैं तो इन्हीं के हैं। ब्लू सफायर का नाम आपने सुना हो, जीटी रेड को उसके मालिक हैं और इनके भाई भी कांग्रेस को उसमें आम आदमी पार्टी से एमएलए भी हैं, तो ये भी परचम है। और ये समापन की ओर जा रहा, मुझे थोड़ा तकलीफ भी है, बाहर अभी भी लोग खड़े हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। ये आदत है SC ST OBC अपने काम के लिए ये इनको मस्ती छाती है, टेलीफोन जरूरी हो जाता है और उठ करके आज चलना आगे आना जाना जरूरी हो जाता है, अनुशासन नहीं। मैं देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, तो कोई बड़ी चीज बड़ी गंभीरता से सोचा जाता है, चिंतन से किया। आप लोगों को चिंतन करना चाहिए इस समय। अभी 3 लोगों ने नाम दिया है, गोविंद सिंह राणा जी जो DM DOM में काम करने के लिए, बकोलुद्दीन मुन्ना जी ने लिख करके दिया है और समय खान जी ने, 3 लोगों ने दिया। अच्छा, काफी लोगों ने दिया है जो काम करने के लिए, ये तो सैकड़ों लोगों ने दिया है काम करने का के लिए। और आज SP वर्मा जी, हुसैन भाई की और परमिंदर जी से कहूंगा कि आप लोग तय कर लीजिए कि प्रदेश की कमेटी का गठन सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए और जिले की भी कमेटियों का गठन आप लोग कर दो, क्योंकि मेरा अनुभव यही बोलता है कि जब हथौड़ा जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए। तो वर्मा जी, हुसैन भाई जी, आप सारे लोग मंच में बैठे हुए, भगत जी, ये जल्दी इसका रूपरेखा तैयार कर लीजिए, वरना बार बार इनको इकट्ठा करोगे तो ठीक नहीं होगा। एक बार इकट्ठा हुए तो इनको टीम में ले आ दीजिए, जब तक टीम में नहीं लाओगे ये सब छितरे बितरे रहेंगे, आपकी ताकत नहीं रहेगी। जब टीम में आ जाएंगे तो आपकी ताकत बन जाएंगे, इनकी ताकत हम बन जाएंगे, ये हमारी ताकत बन जाएंगे। सर एक तो बगता है, बहुत उसको बुलवा लेता हूँ।